नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर मेड स्कूल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो का टॉपिक है हाइपोनेट्रीमिया हाइपोनेट्रीमिया क्रोनिकली हॉस्पिटलाइज और एल्डरली पेशेंट में बहुत कॉमनली होता है ये वीडियो हाइपोनेट्रीमिया इस टॉपिक का पार्ट वन है जिसमें हाइपोनेट्रीमिया के क्लासिफिकेशन टाइप्स पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल फीचर्स को एक्सप्लेन किया गया है सीरम सोडियम लेवल जब 135 थर्टी फाइव पर लीटर से कम होती है तब उसे हाइपोनेट्रीमिया कहा जाता है हाइपोनेट्रीमिया को सीरम सोडियम लेवल के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया में सीरम सोडियम लेवल 130 थर्टी टू वन थर्टी फोर पर लीटर के बीच होती है मॉडरेट हाइपोनेट्रीमिया में सीरम सोडियम लेवल वन ट्वेंटी फाइव टू वन ट्वेंटी नाइन पर लीटर के बीच होती है जब सिरम सोडियम लेवल 125 ट्वेंटी फाइव पर लीटर के भी नीचे होती है तब उसे सीवियर हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया को सिरम ऑस्मुलरिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है नॉर्मल सिरम ऑस्मुलरिटी टू सेवेंटी फाइव टू टू एसमोल पर लीटर के बीच और सिरम सोडियम लेवल 135 थर्टी फाइव टू वन फिफ्टी पर लीटर के बीच होती है हाइपोनेट्रेमिया को समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि लार्ज ब्लू सर्कल टोटल बॉडी वाटर को रिप्रेजेंट करता है और रेड डॉट्स टोटल बॉडी सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं आइसोटोनिक हाइपोनेट्रेमिया में सिरम ऑस्मुलरिटी नॉर्मल होती है और सिरम सोडियम लेवल डिक्रीज होती है इनफैक्ट आइसोटोनिक हाइपोनेट्रेमिया में सिरम सोडियम लेवल सच में फॉल नहीं होती इस टाइप में हाइपर या हाइपर एसोसिएटेड होते हैं जो सीरम सोडियम के लैब मेजरमेंट में इंटरफेयर करते हैं इसीलिए इस टाइप को सूडो हाइपोनेट्रमिया भी बोला जाता है हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रमिया में सीरम ऑस्मरिटी इंक्रीज होती है और सीरम सोडियम लेवल डिक्रीज होती है इस टाइप में सीरम ऑस्मुलरिटी ब्लड में ऑस्मोटिक सोल्यूट के प्रेजेंस से बढ़ती है ऑस्मोटिक सोल्यूट के एग्जाम्पल है ग्लूकोज मैनिटॉल ग्लाइसिन जिसे यूरोलॉजिकल प्रोसीजर में इरिगेशन में यूज किया जाता है माल्टोज जो कि आई प्रिपरेशन में यूज होता है एटसेट्रा सीरम ऑस्मी को नॉर्मलाइज करने के अटैम्प्ट में वाटर इंट्रा सेन्युलर कम्पार्टमेंट से एक्स्ट्रा सेन्युलर कम्पार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है सो सीरम सोडियम लेवल वाटर कंपोन बढ़ने से कम होती है ना कि टोटल बॉडी सोडियम कम होने की वजह से हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया में सीरम ऑस्मोलरिटी और सीरम सोडियम लेवल दोनों फॉल हो जाते हैं यह टाइप को ट्रू हाइपोनेट्रीमिया बोला जाता है और यह टाइप सबसे कॉमन होती है सो इस टाइप को डिटेल में समझते हैं हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया को वॉल्यूम स्टेटस के अकॉर्डिंग फर्दर डिवाइड किया जाता है वॉल्यूम स्टेटस टोटल बॉडी वाटर और टोटल बॉडी सोडियम पे डिपेंड करता है जब टोटल बॉडी वाटर और टोटल बॉडी सोडियम नॉर्मल लेवल में मेंटेन रहते हैं तो वॉल्यूम स्टेटस भी नॉर्मल रहता है हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया में टोटल बॉडी वाटर और टोटल बॉडी सोडियम दोनों डिक्रीज होते हैं बट टोटल बॉडी सोडियम टोटल बॉडी वाटर के कंपेयर में ज़्यादा फॉल होता है इसीलिए सीरम सोडियम लेवल फॉल होती है यू वॉल्यूमिक हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया में टोटल बॉडी वाटर इंक्रीज होता है और टोटल बॉडी सोडियम नॉर्मल रहता है सीरम सोडियम लेवल डाइल्यूशन से फॉल होती है हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया में टोटल बॉडी वाटर और टोटल बॉडी सोडियम दोनों इंक्रीज होते हैं बट टोटल बॉडी वाटर टोटल बॉडी सोडियम के कंपेयर में काफी ज्यादा बढ़ जाता है इसीलिए टोटल बॉडी सोडियम बढ़ने के बाद भी सीरम सोडियम लेवल फॉल हो जाती है हाइपोवॉलमिक हाइपोनेट्रीमिया में अगर यूरिन सोडियम लेवल 20 मिली इक्वालन पर लीटर से ज़्यादा है तो इसका मतलब है सोडियम और वाटर लॉस किडनीज के थ्रू हो रहे हैं ये रिनल लॉस डायोरेटिक यूज मिनरलोपोर्टिकॉयड डिफिशेंसी सॉल्ट लूजिंग नेफ्रोपैथी ट्यूबुलर एसिडोसिस ऑस्मोटिक डायरेसिस में हो सकता है अगर यूरिन सोडियम लेवल 20 मिली इक्वालन पर लीटर से कम होती है तो सोडियम एंड वाटर लॉस किडनी से ना होके कहीं और से हो रहे हैं जैसे कि वोमिटिंग, डायरिया बर्न्स हिमरेज थर्ड स्पेस लॉस इन पैंक्रियाटाइटिस एट्सेट्रा वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रेमिया, ग्लूकोकार्टॉइड डिफिशियंसी सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायोरिटिक हार्मोन, ड्रग्स जैसे कि एंटीसाइकोटिक एंटी कन्वर्जेंट्स एट्सेट्रा सिवियर स्ट्रेस एट्सट्रा में हो सकते हैं हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रेमिया में अगर यूरिन सोडियम लेवल 20 मिली इक्वेलन पर लीटर से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि एक्यूट और क्रोनिक रेनल फेल्योर की वजह से एक्सेस वाटर और सोडियम एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं अगर यूरिन सोडियम लेवल 20 मिली इक्वेलन पर लीटर से कम होती है तो हाइपोनेट्रेमिया कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर सिरोसिस ऑफ लीवर नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेट्रा की वजह से हो रहा है हाइपोनेट्रेमिया में यूरिन ऑस्मोलरिटी अंडरलाइक कॉजेस के अकॉर्डिंग वेरी हो सकती है बट यूरिन ऑस्मोलरिटी 100 मिली ऑस्मोल पर लीटर से कम फ्यू कंडीशन में होती है जैसे कि प्राइमरी पॉलिडिप्सिया मान न्यूट्रिशन बियर पोटोमेनिया एटसेट्रा इन कंडीशन में वाटर इंटेक सॉल्ट इंटेक के कंपेयर में काफ़ी ज्यादा होता है हाइपोनेट्रेमिया के सिम्टम्स सेरेब्रल इडिमा की वजह से होते हैं सिम्टम्स हाइपोनेट्रीमिया के मैग्नीट्यूड और ड्यूरेशन पे डिपेंड करते हैं माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया के पेशेंट यूजुअली असिम्टोमेटिक होते हैं बट नॉजिया और मलेज हो सकता है मॉडरेट हाइपोनेट्रीमिया में हेड एक अल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो सकता है सीवियर हाइपोनेट्रीमिया में ड्राउजीनेस सीजर और कोमा भी हो सकता है जब हाइपोनेट्रीमिया विदिन फोर्टी एट आवर डेवलप होता है तो उसे एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया कहा जाता है एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया के सिम्टम्स क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया के कंपेयर में काफ़ी प्रोफाउंड होते हैं हाइपोनेट्रिमिया से सेरेब्रल इडिमा होके टेंटोरियल हर्निएशन हो सकता है जिससे ब्रेनस्टेम कंप्रेशन से रेस्पिरेटरी अरेस्ट और डेथ भी हो सकती है अंडरलाइंग डिसऑर्डर के सिम्टम्स भी प्रीडोमिनेट कर सकते हैं हाइपोनेट्रीमिया के नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपोनेट्रेमिया की मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे जिसमें हाइपोनेट्रीमिया में यूज होने वाली मेडिकेशंस ट्रीटमेंट गाइडलाइंस ट्रीटमेंट से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस और कॉम्प्लिकेशन की मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू अगर आपकी कोई भी क्वेरी या फिर सजेशन है तो प्लीज उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग